हेलो स्टूडेंट्स, नीट का पेपर नज़दीक है, इसलिए हम नीट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्विकली रिवाइज़ करेंगे। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो रिवाइज़ किया था। अभी हम रिवाइज़ करने वाले हैं कोलिजन। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, नीट में हर बार कम से कम एक सवाल तो इसमें आता ही है, तो इसको आइए हम रिवाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले कोलिजन में आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोलिजन जो है वो इंट्रैक्शन है दो बॉडीज़ का, और वो बॉडीज़ फिजिकली भी एक दूसरे को कोलाइड कर सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है फिजिकली कोलाइड ना करें बट एक बॉडी का पाथ दूसरी बॉडी के इन्फ्लुएंस में रहे, तब भी उसे कोलिजन कहा जा सकता है। तो केवल ये याद करना है, कोलिजन में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसके बाद अगर टाइप्स ऑफ कोलिजन की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन एनर्जी दो टाइप्स की कोलिजन आने वाली हैं। एक इलास्टिक कोलिजन आएगी और एक आने वाली है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा, इन इलास्टिक कोलिजन में केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरी इक्वेशन आप इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करने वाले हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन भी दो टाइप्स की कोलिजन आने वाली हैं, एक हेड ऑन कोलिजन आएगी और एक आने वाली है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन नाम से ही क्लियर है कि पार्टिकल कोलिजन से पहले और बाद में सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, और ऑब्लिक कोलिजन में पार्टिकल्स कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करने वाले हैं। अभी हम जितने भी आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे हेड ऑन कोलिजन के लिए, हेड ऑन कोलिजन के लिए याद करना है अपने को ये कुछ साइन कन्वेंशन। बॉडीज़ के मासेज हम m1 m2 लेंगे, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 और ut ली जाएगी सेम डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी v1 v2 उसके फॉर्मूले बताए जाएंगे। अगर जितने भी फॉर्मूले हमने बताए हैं उसमें हम u1 u2 को इसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं, कल को कोई सवाल आता है जिसमें u1 u2 किसी की भी डायरेक्शन अपोजिट है तो फॉर्मूलेज में आपको u1 u2 के आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो आइए डिटेल में कोलिजन को और देख लेते हैं कि किस किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो कोलिजन के क्लासिफिकेशन आपको पहले ही बताया है कि कोलिजन बेसिकली क्लासिफाई होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को ही बोल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है वो देखते हैं अपन, लेकिन अभी आप केवल इतना मानिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एक हो सकती है हेड ऑन कोलिजन और एक हो सकती है ऑब्लिक कोलिजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर हेड ऑन कोलिजन की हम बात करते हैं तो हेड ऑन कोलिजन में पार्टिकल की वेलोसिटी वो पहले और बाद में सेम डायरेक्शन में ही होगी, याद रखना है अपने को, और उसमें फाइनल वेलोसिटीज का फॉर्मूला ये सभी बच्चों को याद रखना है और लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला भी याद करना है। तो हेड ऑन कोलिजन के लिए प्लीज़ मार्क कर लेना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। याद करने के तरीके भी हैं, ये v1 वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पहले मास की अगर लिखेंगे तो डिवीजन में m1 प्लस m2 लिख ही लेने का, u1 और u2 लिख लेने का, और u1 के साथ ब्रैकेट में लिखने का m1 माइनस em2 और u2 के साथ लिखने का 1 प्लस em2। ऐसे v2 का फॉर्मूला भी याद करना है, उसमें लॉस इन एनर्जी जो है वो ज़रूर याद करेंगे, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर एंड u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो हेड ऑन कोलिजन जब भी आएगी आप प्लीज़ ये फॉर्मूला याद करना, इसमें e की अलग अलग वैल्यूज डाल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हेड ऑन कोलिजन के लिए याद करना है अपने को कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही हमेशा मोशन की डायरेक्शन होगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है थोड़ा सा अभी मैं आगे बता दूंगा, बट याद करना है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और मोशन की डायरेक्शन सेम है। मोशन की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन सेम होने के कारण हेड ऑन कोलिजन हो रही है। ऑब्लिक कोलिजन मेडिकल में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी ऑब्लिक कोलिजन अगर आ जाती है तो ऑब्लिक कोलिजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा कि ऑब्लिक कोलिजन में आप एक कॉमन नॉर्मल ढूंढिए, कॉमन नॉर्मल मतलब सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन, उसके अलोंग आप इक्वेशन लगाया करेंगे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, और कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर उसमें फोर्स जीरो होगा तो लगाया करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी आपको, एक लगानी पड़ेगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कॉमन नॉर्मल के अलोंग मतलब सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन आ रही है उसमें फोर्स जीरो होने के कारण मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे। और ओब्लिक कोलिजन को समझने के लिए ये एक फिगर देख सकते हैं अपन, और इसमें दिया हुआ है दोनों को अगर सेंटर्स को जोड़ेंगे अपन, इसी को लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलना है, इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग
कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आप लगा सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी कॉमन जो अपने पास सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन है इसी के अलॉन्ग आएगा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर कॉमन टेंजेंट है, इस कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग आप मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग मोशन की डायरेक्शन नहीं है, देखिए दिखाया हुआ है, तो इसलिए पार्टिकल जो हैं वो कोलिजन से पहले और बाद में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए ये ओब्लिक कोलिजन है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पर तीन टाइप्स की कोलिजन आने वाली है। उन तीन टाइप्स की कोलिजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है हमें इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में याद करना है हमें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, और इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कि अगर इनिशियली पार्टिकल m1 और m2 u1 u2 से जा रहा है तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएंगी v1 v2। ये वही फॉर्मूले हैं जो पहले बताए थे इन टर्म्स ऑफ e, उस e में अगर आप e की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर इसी इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको कुछ तीन केसेस याद करने हैं। ये तीन केसेस ये हैं, पहले केस में तो ये कहा हुआ है कि अगर मासेस सेम होंगे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, और नेक्स्ट दो केसेस हैवी मासेस के लिए हैं। तो नेक्स्ट दो केसेस याद करने का तरीका है कि हैवी मास जो है वो कभी भी अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। अगर हैवी मास शुरुआत में रुका हुआ है तो बाद में भी रुका रहेगा, और हैवी मास अगर शुरुआत में चल रहा है तो बाद में भी चलता रहेगा। हैवी मास अगर शुरुआत में रुका हुआ है तो केस याद कर लेना आप वॉल और बॉल के एग्जांपल से, दीवार और बॉल के एग्जांपल से, कि दीवार शुरुआत में रुकी हुई है, बॉल उससे टकराएगी, तो हेड ऑन कोलिजन होने पर वो वॉल बाद में भी रुकी रहेगी, बस जो बॉल है जो गेंद है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी वो। और अगर मैसिव पार्टिकल मूव करता है, चलता है, तो जब भी भारी पार्टिकल चलेगा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी रहने वाली है, वो याद करना है अपने को। जो लाइट पार्टिकल है उस लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये जो केस बताया गया है ये वॉल और बॉल का केस है कि हैवी मास वो शुरुआत में रुका है तो बाद में भी रुका रहेगा, लाइट मास की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में सेम हो जाएगी। और ये जो केस है उसमें ये बताया हुआ है कि अगर हैवी मास चल रहा है तो हैवी मास इनिशियली और फाइनली सेम वेलोसिटी से चलेगा, जबकि लाइट मास वो दुगनी वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। तो ये आपको केसेस याद करने हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए दो और केसेस भी हैं कि अगर सेकंड पार्टिकल रुका हुआ है और सेकंड पार्टिकल का मास एन टाइम्स है फर्स्ट पार्टिकल के, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसका ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी जो रिटेन करेगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसका भी ये फॉर्मूला वन माइनस फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड उसके बराबर होगा। तो ये बात चल रही थी हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक होगी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल्स लास्ट में एक साथ मूव करते हैं, ये फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, एक साथ मूव करते हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आप इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, वही ई की वैल्यू आपको इसमें जीरो रखनी पड़ेगी, तो जो पहले फॉर्मूला बताया था उससे निकाल लेना फॉर्मूला। और अगर पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले याद करने हैं, याद करना है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में फाइनली पार्टिकल्स एक साथ मूव करने वाले हैं। तो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, और ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लास्ट में आपको याद करना पड़ेगा इन इलास्टिक कोलिजन आ जाएगा। याद कर लेंगे अपन कि ये जो इलास्टिक कोलिजन है, इस इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू वन होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में स्मॉल ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जीरो होती है, और इस इन इलास्टिक कोलिजन में स्मॉल ई की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होने वाली है। इसका एक सिंपल सा केस यहाँ पे अपन ने शो किया हुआ है, स्टैंडर्ड केस, कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो ना हो के केवल इन इलास्टिक कोलिजन दी हुई है, तो अगर इनिशियली पार्टिकल पहला पार्टिकल चल रहा है दूसरा पार्टिकल रुका हुआ है तो आपको स्पेशल ये रिजल्ट याद करना है वी वन बाई वी टू वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई होगा। एक एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद करना है अपने को, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगी,
कॉमन नॉर्मल वो लाइन जो सेंटर्स को जोड़ेगी। एक और इसमें स्पेशल फॉर्मूला याद करना है अपने को, अगर किसी बॉल को आपने रबड़ की बॉल को छोड़ा है एच नॉट हाइट से और वो बार बार ग्राउंड पे टकरा रही है तो उसकी स्पीड एन टक्कर के बाद ई की पावर एन वी नॉट, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू रूट टू जी एच नॉट, और हाइट एंथ टक्कर के बाद ई की पावर टू एन एच नॉट, कितने डिस्टेंस के बाद वो रुकेगी वो भी याद कर लेना, एच नॉट वन प्लस ई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ई स्क्वायर। लास्ट केस एक ऑब्लिक कोलिजन का केस ज़रूर याद कर लेंगे अपन कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुई, ऑब्लिक में पहला पार्टिकल चल रहा है दूसरा पार्टिकल रुका हुआ है, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज़ के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये जितने भी केसेस आपको बताए गए हैं ये सारे केसेस याद कीजिए, फॉर्मूले याद कीजिए, नीट के अंदर इन्हीं में से सवाल आएगा। तो इस वीडियो को देखिए, जो भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि नहीं आता है उसके क्वेश्चंस लगाइए, हम नए टॉपिक के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।